फरहान अख्तर एंड श्रद्धा कपूर के बीच में दोस्ती हुई थी भाग मिल्खा भाग की स्क्रीनिंग के दौरान, एंड वहीं पे दे हिट ऑफ एंड दे बिकेम फ्रेंड्स। उसके एक साल के बाद फरहान अख्तर और उनकी वाइफ अधुना का रिश्ता टूट गया और दोनों ने एक दूसरे को डिवोर्स दे दिया। उस टाइम पे खबरें ये आई थी कि फरहान के डिवोर्स की एक मेजर रीज़न अदिति राव हैदरी हैं, जो उनके साथ नज़दीक आ गई थी वज़ीर फिल्म की शूटिंग के दौरान, बट इस खबरों की कभी कोई पुष्टि नहीं हो पाई। उसके जस्ट बाद फरहान और श्रद्धा ने एक फिल्म साइन की, रॉक ऑन टू। रॉक ऑन का सीक्वल थी। रॉक ऑन एक लव्ड मूवी थी 2008 की, एंड फरहान अख्तर क्योंकि अपने आप को एक एक्टर के रूप में एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे थे और उनकी भाग मिल्खा भाग के बाद एक भी फिल्म हिट नहीं हुई थी, वज़ीर भी हिट नहीं हुई थी, तो फरहान को ये लगा पर्सनली कि एक उनकी लव्ड फिल्म का अगर वो सीक्वल बनाएंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा पसंद की जाएगी एंड उससे फरहान को थोड़ा सा माइलेज मिलेगा। इसलिए फरहान ने रॉक ऑन टू एक्सेल एंटरटेनमेंट के अंदर दोबारा शुरू की। फरहान की इस फिल्म को लिखा अभिषेक कपूर ने था, एंड अभिषेक कपूर ने फरहान को यही रिकमेंड किया कि आपकी जो फ्रेंड है श्रद्धा कपूर, आप उसको फिल्म में ले लो, तो उससे क्या होगा, फिल्म को थोड़ी सी माइलेज मिलती है, राइट, जिसके साथ आपका र्यूमर्स चल रहा है, जिसके साथ आपके लिंकअप की खबरें चल रही हैं, अगर उसी के साथ आप एक फिल्म करते हो तो फिल्म को माइलेज मिलती है बॉक्स ऑफिस पे। एंड फरहान ने श्रद्धा कपूर को साइन कर लिया फिल्म में। फिल्म में अर्जुन रामपाल भी थे एंड पूरब कोहली भी थे, एंड फिल्म की शूटिंग 2015 में शुरू हुई, एंड फिल्म की शूटिंग के दौरान थ्रू आउट फरहान अख्तर एंड श्रद्धा कपूर के लिंकअप के र्यूमर्स बहुत ज़्यादा तेज़ी से आने लगे। फरहान और श्रद्धा को बहुत सारी पार्टीज़ में, बहुत सारे इवेंट्स पे, बहुत सारे स्क्रीनिंग्स पे साथ में स्पॉट किया गया, एंड खबरें ये भी आई कि फरहान एंड श्रद्धा कपूर एक साथ लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं। उस टाइम पे कुछ फ़ोटोज़ भी आई थी जहाँ पे श्रद्धा और फरहान जो अपार्टमेंट में जहाँ पे रह रहे थे वहाँ के बालकनी पे बैठ करके दोनों सिगरेट स्मोक कर रहे थे, एंड उसकी खबरें भी मीडिया में बहुत ज़्यादा आई थी। रॉक ऑन टू जब रिलीज़ हुई 2016 नवंबर में, वो दौर था जब नोटबंदी लग चुकी थी और उसके दो हफ्ते के बाद रॉक ऑन रिलीज़ हुई थी इन आई थिंक 10 और 11 नवंबर 2016 में, नोटबंदी के 3-4 दिन के बाद। तो ऑब्वियसली फिल्म को से जो एक्सपेक्टेशंस थी, वो फिल्म उस एक्सपेक्टेशंस को तो बिल्कुल भी मीट नहीं कर सकती थी। ऑल्दो फिल्म ठीक ठाक थी, रॉक ऑन के आसपास बनी हुई थी, बट क्योंकि नोटबंदी के जस्ट 4-5 दिन के बाद फिल्म रिलीज़ हुई थी तो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बिल्कुल भी काम नहीं कर पाई। श्रद्धा और फरहान फिल्म की नाकामयाबी के बावजूद साथ में ही रह रहे थे, एंड दोनों ने एक फिल्म साइन की लखनऊ सेंट्रल, जिसमें फरहान का लीड रोल था। ये बातें जब तक हो रही थी, ये चीज़ें कपूर फैमिली को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि श्रद्धा कपूर की फैमिली एंड लता मंगेशकर की मंगेशकर फैमिली, वो दोनों आपस में रिलेटेड हैं एंड दे कम फ्रॉम अ कंजर्वेटिव बैकग्राउंड। तो शक्ति कपूर को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था कि श्रद्धा कपूर इज़ डेटिंग समबडी जिसके ऑलरेडी दो बच्चे हैं एंड समबडी हु इज़ लाइक 10 or 12 ईयर्स ओल्डर देन श्रद्धा। ये चीज़ शक्ति कपूर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, उनकी बुआ को बिल्कुल भी नहीं पसंद आई, श्रद्धा की पद्मिनी कोल्हापुरी जी को भी बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने श्रद्धा से इस बारे में बात करने की कोशिश की। श्रद्धा ने अब क्योंकि श्रद्धा वॉज इन लव विद फरहान, श्रद्धा ने अपने फादर और अपने मदर और अपने बुआ की बातों को दरकिनार कर दिया और उन्होंने फरहान के साथ अपने रिश्ते को कायम रखा। उसके बाद खबरें ये आने लगी कि फरहान और श्रद्धा एक दूसरे से शादी करने वाले हैं एंड दोनों एक दूसरे के साथ एंगेजमेंट एक साल के अंदर कर लेंगे। और लखनऊ सेंट्रल की फिल्म की शूटिंग शुरू ही हो रही थी उस टाइम पे र्यूमर्स आई कि शक्ति कपूर और उनकी वाइफ दोनों फोर्सफुली फरहान और श्रद्धा के अपार्टमेंट में गए और उन्होंने श्रद्धा का सामान पैक किया और उन्होंने फोर्सफुली श्रद्धा को वहाँ से लेकर के बाहर आ गए। इस चीज़ पे श्रद्धा और शक्ति ने कभी भी ऑफिशियली कमेंट नहीं किया, बट ये बहुत ज़ोरों शोरों से खबरें आई थी कि शक्ति कपूर फोर्सफुली जाकर के श्रद्धा का सामान पैक करके फरहान और श्रद्धा के अपार्टमेंट से श्रद्धा को बाहर लेकर के आ गए थे। एंड श्रद्धा क्योंकि एक सीन नहीं क्रिएट करना चाहती थी तो श्रद्धा भी चुपचाप बाहर आ गई। बाद में शक्ति कपूर ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था, इन पूरी रिपोर्ट्स को रबिश करते हुए कहा था कि वो ऐसा कभी भी नहीं करेंगे और वो अपनी बच्ची की जो भी रिस्पेक्ट है, जो भी प्राइवेट लाइफ है, उसको हमेशा ही ऑनर करेंगे। बट ये खबरें बहुत ज़्यादा हवा पकड़ी थी उस टाइम पर, 2017 की बात है। उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये तो किसी को नहीं मालूम, बट इस वाले एपिसोड के बाद जब ये खबरें आई थी कि शक्ति कपूर ने ज़बरदस्ती श्रद्धा को फरहान के अपार्टमेंट से निकाला है, उसके बाद लखनऊ सेंट्रल फिल्म में जो रोल श्रद्धा करने वाली थी वो रोल डायना पेंटी को ऑफर हो गई और श्रद्धा कपूर ने इस फिल्म को छोड़ करके एक दूसरी फिल्म की जिसका नाम था हसीना पारकर। हसीना पारकर भी बॉक्स ऑफिस पर बिल्कुल भी नहीं चली और लखनऊ सेंट्रल भी बॉक्स ऑफिस पर बिल्कुल भी नहीं चली। दोनों फिल्में वॉश आउट रहीं एंड फरहान और श्रद्धा के रिश्तों के बीच में बहुत ज़्यादा दरारें आ गई। उसके बाद दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। आज श्रद्धा कपूर हैप्पीली सिंगल हैं और फरहान अख्तर इज़ गोइंग टू गेट मैरिड टू शिवानी दांडेकर।